हेलो एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। आज हम लोग खेलने वाले हैं ट्रेडर्स लाइफ सिमुलेटर। बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे, मैंने पूछा था कि मुझे कौन सा गेम खेलना चाहिए, तो इसके भी आए थे और ये मुझे थोड़ा बहुत गैस स्टेशन टाइप का लगा था। अभी जस्ट हम लोगों ने वो वाला गेम फिनिश किया ऑलमोस्ट, अभी उसके एक दो एपिसोड और आ सकते हैं। तो उसके बाद सब मेरा थोड़ा सा प्रमोशन हो गया, तो अभी तक मैं एक गैस स्टेशन देख रहा था, एक बहुत मतलब एक अजीब से एरिया में सैंड स्टॉर्म वगैरह आता रहता था। अब मैं एक सिटी में आ चुका हूँ और अब मेरे पास एक सुपरमार्केट है जो आपको दिख रही होगी, लेकिन अभी मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करी है। जो भी मैंने पैसे कमाए थे अपने गैस स्टेशन से, उससे इन्वेस्टमेंट करके मैंने एक तो सुपरमार्केट खरीदी है और एक ही अपने लिए छोटा सा घर। घर के अंदर सामान कुछ नहीं है, क्योंकि अब जाके जो मैं पैसे कमाऊंगा ना, वहां से सारा कुछ होने वाला है। तो मैं देख रहा था ऐसी कि क्या क्या चीज़ें हैं, और मेरे पास एक इन्वेंट्री है जिसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं मेरे पास, जो एक लैपटॉप है और कुछ कुछ अजीब सी चीज़ें हैं। डोर का फ्रेम से मैं क्या करूँगा, मतलब ये मुझे समझ नहीं आया। वॉल, ये रेंच सिमुलेटर वाली कुछ चीज़ें इधर आ गई, ये दो तीन चीज़ें, डोर, वॉल फ्रेम और ये टॉयलेट। हाँ, ये ना मेरे को खुद काम करना पड़ेगा, तो टॉयलेट मेरे को लगाना है। बेडरूम में भी लगा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास ऑप्शन सब आ रहे हैं, कहीं पर भी लगा दो। तो मैं सबसे पहले एक टॉयलेट इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि इस वाले गेम में ना आपको ध्यान रखना पड़ता है, आपको नहाना भी पड़ता होगा शायद, लेकिन मेरे पास शावर तो अभी है नहीं, बट टेबल रखी हुई है और बेड है मेरे पास, तो बेड भी मुझे लगाना पड़ेगा, सोना भी पड़ता है, तो सब कुछ करना पड़ता है। और आज हमको अपने पहला दिन होने वाला अपने सुपरमार्केट में, वहाँ पे एम्प्लॉय तो रखे हुए, लेकिन आज मेरा पहला दिन होगा इस वाले बेड। हाँ, ये मेरे को थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं। बगल में चार्जर होना चाहिए ना चार्जिंग करने के लिए लैपटॉप, तो ये लगा दिया। और मेरे पास क्या चीज़ है, टेबल है एक, तो टेबल है ये, मैं लैपटॉप के साथ में यूज़ करूँगा, इसको लगाता हूँ। टेबल वैसे बेडरूम के हिसाब से तो सही नहीं है, डाइनिंग टेबल जैसी लग रही है, बट ठीक है अभी के लिए। तो अभी हम लोग ना सीधे चलते हैं घर, यहाँ से निकलते हैं। रास्ता कहाँ से, ओके, तो रास्ता नीचे हमारा किचन वाला एरिया है, और यहाँ पर एक ये मास्क है, उसके बाद से ये बैकयार्ड है हमारा, जो शायद खुलेगा नहीं, खुलेगा नहीं, बस दिखने का है और खुल नहीं सकता। खाने का यहाँ पर किचन है, रेंच सिमुलेटर की तरह, जहाँ पर कुछ कर नहीं सकते आप ज़्यादा, वहाँ पर एटलीस्ट पका सकते थे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो डोर ये है हमारा, ओके, तो एक बार ना घर, M टू ओपन द मैप, ओके, M दबा के मैप ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर मैप में ना बहुत ही सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें बाय करने के लिए हमको अलग अलग शॉप में शायद जाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारा सुपरमार्केट है, तो सुपरमार्केट के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें। अभी का जो मेन टास्क है वो है अपनी सुपरमार्केट में जाना। तो ये मेरी शॉप है जो ऐसी सी दिख रही है, और ये है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इस मैप में मुझे अभी तो ये पता है कि शायद ये मेरा घर है और ये मैं हूँ, लेकिन ये मैप ऐसा लग रहा है कोई कि इमेज है, कोई मैप जैसा नहीं है, बस एक इमेज है, उसको देख के आपको गैस करके जाना है। तो यहाँ मैंने एकदम यहाँ घर खरीदा है, ताकि ये एकदम पूरा मतलब दूर सी जगह है ना, यहाँ पर थोड़ा सा सस्ते रेट थे, तो यहाँ मैंने बाई कर लिया। अब जाके ये अपनी कार है, तो कार का भी हमको ध्यान रखना होगा, गैस तो चाहिए ही चाहिए, ऑयल भी देना उसमें, और उसका सर्विस वगैरह भी करानी है, तो मज़ा आएगा। मतलब जितना डिफिकल्ट गेम होता है, जितनी ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और उतना सही रहता है। तो ओके, तो मैं फ़ोन से एन प्रेस करके कुछ शायद फ्यूल रिफ्यूल वगैरह करा सकता हूँ, और उसके लिए पहले मोबाइल भी चाहिए, मोबाइल अभी है नहीं अपने पास। तो अभी ना मुझे सुपर मार्केट में जाना है, ठीक है, सुपर मार्केट में जाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे सीधा आना होगा, और ऐसे सीधा करके, ये बड़ा अजीब सा रास्ता है यार राइट से, चलो कोशिश करते हैं जाने की। और मेरे घर के पास में ये क्या चीज़ है, ये पता नहीं देख पाता हूँ, ओके, फर्नीचर शॉप है, फर्नीचर शॉप है मेरे घर के पास में, बर्गर बेस्ट बर्गर है मेरे यहाँ पे, इस यहाँ पे भी कुछ काम होगा। और यहाँ से ये कोई मिल टाइप की मेरे को लग रही है, धान वान की जो भी चीज़ें हैं वो सब। अब यहाँ से मैं वैसे नहीं, इसमें दो ऑप्शन आ रहे थे, एक तो आप नॉर्मली ये सिटी वाला मैप सेलेक्ट करने का, और ये कार मैकेनिक है, ओके, तो यहाँ पर भी डेड एंड टाइप का है, एक सिटी वाला तो मैप था, एक विलेज वाला था, मैं विलेज वाला सेलेक्ट कर रहा था क्योंकि उसमें थोड़ा सा और मज़ा आता, लेकिन वो अभी ऑप्शन रिकमेंड यही किया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को कर लिया जाए, ट्यूटोरियल आएंगे ना इसमें थोड़ा, एटलीस्ट मेरे को गाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर ये कमांडो क्यों खड़े हुए हैं, गाड़ी भी ओके, नॉर्मल पुलिस की गाड़ी है जैसे आसपास रहते हैं, लेकिन ये कमांडो टाइप बंदे पता नहीं क्यों खड़े हुए लोग। वैसे सिटी, अरे इसको क्या उछाल दिया इसने, ये क्या लड़ाई वगैरह हो गई क्या यहाँ पे, ये मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था, इसने इस बंदे को उछाल दिया और बंदा हक्का बक्का सा रह गया, पता नहीं इसको समझ नहीं आया क्या हुआ इसके साथ में, पता नहीं स्टक सा हो गया, देखो एक जगह पे
अब ये पता नहीं गेम का ग्लिच है क्या है। तो ये हमारा अच्छा बैंक ये है, तो बैंक में मेरे पास $100 है, ठीक है। बैंक में अभी तो अभी काम है नहीं। और ये अपना सुपरमार्केट है, वहाँ पे एम्प्लॉय मेरे पास ऑलरेडी है, एक बंदा रखा हुआ है। और ये सुपरमार्केट के सामने ही, वैसे यहाँ पर गाड़ियाँ तो नहीं चल रही ना, मेरे को गाड़ी कहाँ पर लगानी चाहिए। ओके ब्रेक भी ठीक है, उतर जाओ। ओके तो सबसे पहले मुझे ओके ठीक है ठीक है, लैपटॉप से अपना गेम वगैरह प्रोग्रेस वगैरह सेव कर सकता हूँ, ठीक है। अब जाके हम लोग चलते हैं। मैंने कैसे लगा दी इससे ठोक के यहाँ पे, तो यहाँ पे ना इस बंद ओके यू कैन बाई स्मार्टफोन फ्रॉम द स्मार्टफोन शॉप। ओके तो स्मार्टफोन हम लोग अगर बाई करते हैं ना, लैपटॉप यहाँ से बाई कर सकते हैं। आगे कौन सी शॉप है वो देख के आता हूँ, क्योंकि मेरे को लैपटॉप भी बाई करना पड़ेगा। कि एक सेकंड, मेरी इन्वेंट्री में लैपटॉप तो है, लैपटॉप बाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, स्मार्टफोन्स यहाँ पे हैं, तो अगर मैं इसको बाई करता हूँ एक बार देख लेता हूँ रेट कैसे हैं। $125 अभी बाई नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा ना सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ $500 है। तो अभी एटलीस्ट अपना जो सुपरमार्केट है उसको रनिंग मतलब करना है हमको, मतलब उसको इस कंडीशन में रखना है कि चल पाए थोड़ा बहुत सामान जो भी है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है, ये बंदा आ भी गया, पहला पहला कस्टमर आ गया और उसको पता नहीं कुछ नहीं मिला। क्यू टू प्लेस फर्नीचर, ओके क्यू है क्या क्यू में? अच्छा अभी फर्नीचर तो है नहीं ना, एक रैक है मेरे पास, एक रैक है। कुछ कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में मेरे को दी गई हैं, तो मुझे सिर्फ सामान का काम देखना, ठीक है। तो पहला रैक मैंने लगा दिया, पहला क्या जो था मेरे पास वही लगाया मैंने। उसके बाद से ना इन्वेंट्री में ऐसी कोई चीज़ है जो मैं एक बार देख लेता हूँ कि लगा सकता हूँ। डोर फ्रेम वॉल लैपटॉप है, लैपटॉप भी निकाल के रख लेता हूँ एक बार, यूज़ करके देख लेंगे इसको कि कैसा है। एस इंडस्ट्रीज का मेरे पास लैपटॉप है, तो इसको हम लोग सेल भी कर सकते हैं $255 का, मतलब मेरे वाला। अच्छा लैपटॉप, वो तो स्मार्टफोन था ना, ठीक है। तो एक बार इंटरेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर अपनी इनकम दिखा रहा है और टोटल सेल्स दिखा रहा है, कंप्लेंट वगैरह जो आ रहा है वो भी दिखा रहा है, और अपग्रेड करने का ऑप्शन है कि स्टैंड वगैरह बाई कर सकते हैं, यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, सेव गेम कर सकते हैं और जो भी सारी चीज़ें। 7 बजे शॉप अपने आप ओपन हो जाएगी, ये कर लेता हूँ ताकि मैं अगर लेट भी उठा के इस दिन नींद नहीं खुली तो एटलीस्ट ये बंदे संभालेंगे। तो थोड़ा बहुत मेरे पास सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, उनको मैं अनपैक करके लगा देता हूँ रैक में, उसके बाद से अपना जो गैस स्टेशन है चल पड़ेगा। तो जबेर शॉप से हमको ओके, तो रीस्टॉक का सामान हमको मिलेगा जबेर शॉप से, ठीक है। अब ये कहाँ है देखनी पड़ेगी मैप में से, ऐसे मैप पे तो पता चल जाएगा ना। एक सेकंड ये देखो, मैप में तो बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल ये है कि मुझे रास्ता ढूंढ के खुद जाके देखना पड़ेगा, मैप किसी काम का नहीं है। ये क्या चीज़ है? ओके यहाँ पर भी थोड़ा बहुत सामान है, बहुत सारा सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी कुछ है, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद से अपना सामान वगैरह लगाने का ट्राई करते हैं। ओके जो डिलीवरी यहाँ कैसे आएगी, कुछ है क्या ऐसा ऑप्शन? अभी है नहीं, शायद बाद में ऐसा अपग्रेड करके हो जाए कि मैं यहीं से ऑर्डर कर लूँ। अभी तो फिलहाल विजिट करने के लिए बोला गया, तो अभी मैं विजिट करूँगा और इसको कर देते हैं बंद। सबसे पहले रैक में सामान लगाने के लिए मैं लेके जाता हूँ ये वाला सारा सामान। ओके इसमें सॉस है, तो ये मेरे को लगाना पड़ेगा, कैचअप वाला इधर रख लेता हूँ। ओके तो एक एक करके लगाना पड़ेगा क्या? गलती से निकल गया मुझसे वो। ओके एक एक करके ना मेरे को ये सारी चीज़ें लगानी पड़ेंगी यहाँ पे, जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है, लेकिन एक बार पहले ना सारी चीज़ें ले आता हूँ। इसमें है मेरे पास जैम, और उसके बाद से सारी चीज़ें ले आता हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके लगा दूंगा। मेरे को शायद वो स्टेयर भी लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ऊंचा वाला मेरे को दिख नहीं रहा, ऐसे करके उछल के लगाना पड़ेगा। तो सारा सामान मैंने लगा दिया, जैम हो गया, और यहाँ पे फैब्रिक सॉफ्टनर और वॉशिंग पाउडर, यहाँ पे डाइपर्स वगैरह, और ये कैचअप वगैरह, तो सारा सामान लगा दिया। उसके बाद से इसको लगा देते हैं, अभी साइड में दौड़ भी सकता हूँ मैं। ओके तो इसको लगा देते हैं यहाँ पे वापस, और इसको ओपन बंद कर देते हैं वैसे ओपन, चलो ठीक है बंद कर देते हैं। तो अब जाके ना यहाँ पे कस्टमर्स आएंगे और मैं यहाँ से कैश कलेक्ट कर सकता हूँ ऐसे करके। तो अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ बिका नहीं है, तो $500 अपने पास पूरे के पूरे वैसे हैं। और कस्टमर आएंगे कैसे, ये बंद किसने कर दिया आगे का दरवाज़ा? तो खोल के रखना पड़ेगा ना, तब कस्टमर आएंगे। ओके ओके अब जाके शॉप ओपन हुई है ना, ठीक है। अब जाके मेरी हंगर, ओके मुझे ना कुछ खरीद के खाना पड़ेगा अभी यहाँ से, तो कुछ भी बाय कर लेता हूँ रैंडम एक और। ओके तो दो चीज़ मैंने बाय कर लिया, इसकी गाड़ी ले जा सकता हूँ क्या? नहीं नहीं देगा ये, इसकी गाड़ी में ना सामान ज़्यादा आ जाएगा। एक बार मैं शॉप में जा रहा हूँ जहाँ से मेरे को चीज़ें बाय करनी, तो वो मैं करके आऊँगा। और मुझे लग रहा है कि मुझे घर भी जाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है कि ना ज़्यादा टाइम तो मैं यहाँ पर बिताने वाला हूँ, तो मुझे वो टॉयलेट यहीं इंस्टॉल कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये सब मुझे मैनेज करना पड़ेगा कैसे भी करके। और अभी यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर होना चाहिए वो शॉप। अब कितनी बड़ी है कितनी छोटी नहीं पता, ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक शॉप है, और ये है हमारा बूचर शॉप, वेजिटेबल्स, और उसके बाद से कौन सी है, फिश। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ से बाई कर सकता हूँ, बट सुपरमार्केट में कुछ और चीज़ें मिलेंगी जो अभी मुझे चाहिए,
ये चीजें तो बाद में देखूंगा, ये तो फर्नीचर शॉप थी तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ था नहीं ना, मैं यहीं से तो आया था। ओके मेरा घर इधर ही है, मुझे ना एक बार घर चल लेना, नहीं बाद में देखेंगे घर वाला काम, बाद में देखते हैं, अभी सीधे चलते हैं। इस रोड से मैं घूम के आ चुका तो मुझे लेफ्ट टर्न करना पड़ेगा तो शायद मैं किसी जगह पर पहुंच जाऊं। मुझे अभी पता नहीं चल पा रहा है बिल्कुल, देखो दिखा नहीं रहा, मैं वहीं पर हूँ, मैप इधर है और वो शॉप जो है यहाँ पर है, तो मतलब मेरे घर के पास में है क्या, मेरे को देखना पड़ेगा ये मेरे घर के पास में। ओके इधर की साइड को शायद हो सकती है यहाँ, क्योंकि मेरे घर इधर ही है तो यहाँ पर चांसेस हैं होने के। एक बार मेरे को देखना पड़ेगा कि इधर है क्या, ये है क्या, नहीं नहीं ये नहीं है। इतने सारे रोड हैं यार, कहाँ को जाऊँ समझ नहीं आ रहा। एक बार ये भी देख के आता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो ओके पहला अपना आइटम बिका, शायद पहला बिका, मैंने पहला ही देखा तो ओके ये है, ये है, मिल गई। ज़्यादा मुश्किल नहीं था बट ढूंढ ली मैंने। तो अब जाके यहाँ पे ना थोड़ा देख के आते हैं कि क्या चीज़ है। ओके तो कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे को ठीक है समझ गया। तो जो रेफ्रिजरेटर वाले प्रोडक्ट्स हैं ना जिनको उसमें रखना पड़ता है वो मैं अभी बाई नहीं कर सकता, और ये मुझे वही ये चीज़ मेरे पास है हाई प्राइस, तो वो सब चीज़ें मेरे को बाई नहीं करने पड़ेंगे। ओके दिखा रहा है कि नॉर्मल प्राइस का रहता है 65, अभी 78 का है, इसका नॉर्मल प्राइस रहता है 17, अभी भी 17 है, तो इसको टूथपेस्ट बाई कर लेते हैं ठीक है। अब एक ही में इतना भर गया तो मेरी गाड़ी, यार गाड़ी बेकार सी गाड़ी है यार ये, इसमें कहाँ मैं रख पाऊँगा, तो रखने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, मेरे को पीछे रखना पड़ेगा और पीछे मुझे नहीं लगता कि इतना सारा कुछ आ सकता है, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। ये देखो मैं ऐसे भी नहीं रख सकता, पता नहीं दो क्या रखा हुआ है, ऐसे रखना पड़ेगा यार, ये बड़ी मुश्किल है। मतलब ये एटीएम से पैसे निकाल सकता हूँ क्या? ओके ट्रांसफ़र वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है सही चीज़ है। तो ये भी मैं ले जा नहीं सकता, यहाँ से कुछ चीज़ें बाई कर लेते हैं ठीक है, मुझे इससे ज़्यादा मैं ले जा भी नहीं सकता। तो जब अगर ये डिलीवरी वाला सिस्टम हो जाएगा ना कि मैं घर पर मंगा सकता हूँ तो सही रहेगा। एक बार ट्राई कर लूँ क्या, एक सेकेंड, ट्राई भी ऐसे करके करना पड़ेगा, मुझे इसके ऊपर रखना पड़ेगा। ओके रख पा रहा हूँ, ओके ठीक है तो थोड़ा बहुत सामान और ले जा सकते हो ना, मुझे ऐसा लगा था कि शायद मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, राइस है, तो राइस भी बाई कर लेते हैं। और यहाँ पे कैट फूड, टॉयलेट डाइपर्स तो मेरे पास हैं, कैट फूड ये सब भी आ रहा है तो कैट फूड थोड़ा सा बाई कर लेता हूँ, नहीं हाई प्राइस इसका, डॉग फूड का है और यहाँ पे सब हाई प्राइस है, तो अभी डॉग फूड हम लोग बाई कर लेते हैं। ओके भाई रात भी, ओके मेरे को घर जाना पड़ेगा क्योंकि आवाज़ आ रही है ना तो पता चल रहा है रात हो गई, मतलब अंधेरा भी हो चुका है और ये आ जाएगा। ओके तो एक बार में इससे ज़्यादा सामान तो नहीं आ सकता, और ये भी मतलब कैसे भरा है मुझे ही पता है। अभी चलते सीधे घर, लाइट्स ऑन। अब घर का रास्ता किधर से था, नहीं ये तो इनकी शॉप है अंदर, ओके ये था ना हाँ। अब रात के अंधेरे में मुझे अपना घर ढूंढना है, और ये इसकी लाइट भी बहुत कम है, डिम सी लाइट है, बहुत ही कम लाइट है, ऐसे मुझे अपना घर ढूंढना है क्योंकि सोना ज़रूरी है, रात के टाइम कुछ कर भी नहीं सकता मैं। तो सीधे जा रहा हूँ और मुझे ना दूर दिख भी नहीं पा रहा है। ओके ये फर्नीचर शॉप अपने पास है, ओके अरे ये देखो ठोक देना ट्रैक्टर में, तो यहाँ से ये फर्नीचर शॉप मुझे मिली थी, तो ये मेन चीज़ है मुझे इसका ध्यान रखना, बड़ी सी शॉप का, और यहाँ से था सीधे। मैंने बहुत चक्कर लगा लिए, मुझे अपना घर नहीं दिख रहा है ये। ओके गेम तो सेव कर लूँगा लेकिन मैं पहले अपना घर कैसे पहुँचूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये रास्ते कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे। ये लाइट्स ना बिल्कुल, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ लगी नहीं है, कुछ भी नहीं दिख पा रहा मुझे। मैं मतलब चले जाता इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन रात के टाइम पर थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि रोड कहाँ से कट रही है मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है। तो अभी ना सुबह होने वाली है, मतलब रात भर मैं घूम रहा था और घूम फिर के एक ही जगह पर आ रहा था। रात का अंधेरा इतना ज़्यादा था कि मुझे मतलब पता था घर, इतना मुश्किल था नहीं घर ढूंढना, लेकिन अंधेरे में ना रोड पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से कट के कहाँ जा रही है। तो मुझे इतना तो पता था कि जो बर्गर शॉप है या जो फर्नीचर शॉप है उसके पास में मेरा घर है, लेकिन फिर भी इतना मुश्किल हो जा रहा था। अभी भी रात हो रही है लेकिन मॉर्निंग का थोड़ा सा टाइम होने वाला है, तो सबसे पहले ना मुझे घर जाके सोना पड़ेगा, या एक बार ये काम कर लेते हैं ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। तो अभी इसके बाद मुझे काम करना है नेक्स्ट सोने का, तो सो जाते हैं ठीक है, तो सो जाएंगे, मॉर्निंग हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ आ गया मैं, ओके तो पेमेंट का कुछ मैसेज आ रखा है कि पेमेंट कब मिलेगी। अब जाके ना मुझे लैपटॉप निकालना है अपना, अरे मैं लैपटॉप तो उधर ही छोड़ के आ गया, मुझे अपना गेम भी सेव करना है। मेरी शॉप ओपन हो चुकी है तो जल्दी से चलते हम लोग, कहाँ से रास्ता है, ओके तो जल्दी से चलते हैं। अभी मुझे खाने की भी कुछ चीज़ें बाई करनी पड़ेंगी, और मेरी गाड़ी ओके अपने आप पार्क हो गई है ठीक है। ये सामान जो मैंने बाई किया था ये अभी तक ऐसी है, तो मेरे को एक बार फ्यूल भी देखना है इसका, फ्यूल सामने गैस स्टेशन है तो उसको डला लूँगा, सारा काम करा लूँगा, इन्वेंट्री में एटलीस्ट मैं ऐड करके चीज़ें रख लूँगा। तो यहाँ पर मैं भटक रहा था, ये मुझे बर्गर शॉप का निशान, बेस्ट बर्गर का जो
लोगो है वो भी दिखाई दे रहा था क्योंकि बड़ा सा है, लेकिन उसके बाद भी समझ में आ नहीं रहा था कुछ, पता नहीं कहाँ घूम रहा था मैं, रोड मेरे को दिखी नहीं। जब सुबह हुआ तब जाके पता चला कि ये रोड है, तो यहाँ पर अपनी गाड़ी लगाते हैं, शायद अगर मैं सही हूँ तो हम लोग फ्यूल कर पाएंगे इसको, देखते हैं मतलब। ओके 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 हाँ ओके ओके बाय इधर बाय। अरे वाह कोई चक्कर ही नहीं वो लगाने का, मुझे लगा कि वो लगाना पड़ेगा रेंच सिमुलेटर जैसा याद आ रहा था या फिर गैस स्टेशन कह लो, लेकिन ये अपने आप हो गया। तो अब एक एक करके ना ये मुझे हटाना पड़ेगा और इनको रखना अंदर। मुझे लग रहा है कि शायद अभी बारी आ सकती है एक और रैक बाय करने की, तो फर्नीचर शॉप अरे मेरे घर के पास में ही है घर के पास जाना पड़ जाएगा, कोई बात नहीं देखते हैं अभी लगाने का इसका। डायपर्स वगैरह थोड़े बिक गए हैं तो लग जाएगा, एक में ही काम चल जाएगा। अभी ना मैं मेन जो पैसा है ये कैसे निकलेगा, ओके जो मेन पैसा है मैं खर्च करना चाह रहा हूँ चीज़ों पे, उससे ही से सब कुछ होगा। अभी मैं कुछ भी और एक्स्ट्रा बाय नहीं करने वाला। एक मेरे गाड़ी के पीछे ये क्या चीज़ है, इसको निकाल पाता हूँ क्या, यानी निकालने का ऑप्शन है नहीं, ओपन डोर का ऑप्शन आ तो रहा है ओ करके। ओके यार ये मैं चीज़ देखा क्यों नहीं, अब इसको ओके तो ठीक है ये गाड़ी ठीक है, आप जाके समझ में आया ना, मैं वैसे ही उसको सामान भरे जा रहा था। तो यहाँ पर अपना जो कैश है ना वो ले लेते हैं एक बार, ठीक है ओके। $206 हुए इससे, ओके अभी सिर्फ $206 हुए, अब जाके मुझे लगाना है सामान थोड़ा सा और। तो अभी जो सामान लाया था मैंने सारा कुछ लगा दिया यहाँ पे, ठीक है ये लास्ट बचा हुआ है जो मुझे इधर को शायद ये ऐसे करके घुमा के पीछे की ओके ऐसे करके लगाना पड़ेगा लास्ट वाला, ठीक है। तो सारा सामान लग चुका है, अब जाके अपनी सेल भी होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी ना रेटिंग पता नहीं मेरी 1 स्टार से फिर कम कैसे होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें इनको मिलती नहीं है ना उसकी रेटिंग शायद कम हो जाती। तो $93 इसमें कुछ नहीं है जबकि काम इसमें कर रहा है ये बंदा। तो लैपटॉप पर सबसे पहले अपनी ना प्रोग्रेस सेव कर लेते हैं एक बार, क्योंकि पता नहीं है कि बार बार अभी तो मुझे पता है। अच्छा रेटिंग कैसे बढ़ा सकते तो हम लोग ओके ओके ठीक है समझ गए, जो मुझे लग रहा था वही है कि हमारे पास ना चीज़ें अगर नहीं होंगी तो वो नेगेटिव फीडबैक हमको दे के जाएंगे। तो अभी कंटिन्यू करते हैं इसको, अब जाके मुझे कुछ और सामान लाना पड़ेगा फिर, मतलब मेरा काम तो फिर यही है ना मुझे ऐसा लग रहा है, तो सामान मेरे को लेके आना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हंगर बहुत बड़ी हुई है तो खाना खा लेते हैं सबसे पहले। तो ये वाली शॉप है शायद जबेर वाली जो जहाँ से मेरे को चीज़ें लेके आनी है, ऐसा लग तो रहा है कि मुझे याद हो गया था, नहीं ये नहीं था ये वाला शायद होगा कट, हाँ 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 ये वाली शॉप है। तो एक बार में याद हो गया मतलब कहाँ से रास्ता था, अब जाके मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें और बाय करनी है। और हम लोग ना बाद में क्योंकि कार की शॉप भी है तो हम लोग बाद में बाकी सारी गाड़ियाँ भी खरीद सकते हैं और धीरे धीरे अपनी शॉप को अपग्रेड भी कर सकते हैं। अभी सबसे पहले जो काम करना है यहाँ से कुछ और चीज़ें देख के जाता हूँ कि क्या मैं बाय कर सकता हूँ। ब्लीच हाई प्राइस ओके ये मैं एक बाय कर लूँ क्या, कर नहीं अभी ना कुछ खाने की चीज़ें, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर खाने की चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी। तो ये है नूड और हाई प्राइस है ओके, तो सबसे पहले ये बाई कर लेते हैं। तो अब जाके ना ये सारी चीज़ें लगाता हूँ और $124 बचे मेरे पास, इससे ज़्यादा मैं बाई भी नहीं कर सकता क्योंकि अपनी गाड़ी में इससे ज़्यादा कैपेसिटी है नहीं, यहाँ से कुछ ये लोग मेरे को देंगे नहीं सामान ले जाने के लिए। बाद में शायद मुझे लग रहा है कि हम लोग अपग्रेड करके फिर वहीं से ऑर्डर दे के वहीं पर सामान पहुँचा देंगे, अभी नई नई दुकान है तो इसलिए ये लोग ज़्यादा मुँह नहीं लगा रहे हमको। तो अभी यहाँ से चलते हैं सीधे, कम कम पैसे की चीज़ें हैं मेरे पास ना अभी तो ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं पा रहा है। एक बार मेरे को देखना है कि हम लोग फिश वगैरह वो सब सारी चीज़ें भी ले सकते हैं क्या। एक बार मेरे को बैंक भी जाना है कि बैंक में क्या काम है, मतलब क्या काम होगा मेरे को पता करना है कि बैंक में क्या काम हो सकता है। और यहाँ से मेरे को लग रहा है कि मेरे को ना एक रैक खरीदना पड़ेगा, हाँ अब तो पक्का है। एक बार कैश कलेक्ट कर लेते हैं जो भी है मेरे पास, ठीक है यहाँ पे रहता है क्या, ओके तो $323 है, अब पता नहीं कितने का होगा बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक फर्नीचर तो मैं बाय करना पड़ेगा, रैक तो इम्पॉर्टेंट है। ओके लोन भी ले सकते हैं लेकिन अभी ना मैं लोन लेने वाली गलती नहीं करने वाला, ये लोग मार डालेंगे अरे कितने खतरनाक है। ओहो तो लोन ना अभी ले नहीं सकते, अभी एक बार देखूं कैसे इंटरेक्ट करके। ओके तो यहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा है, टेक लोन $1000 का और कब पे करना है ये कुछ आइडिया है नहीं। तो अभी ना लोन लेना सही नहीं है, अभी अपनी सेल उतनी ज़्यादा है नहीं, ये ना कोई गवर्नमेंट बैंक है, पूरा सब कुछ खाली है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अभी चलते हैं सीधे नीचे, मेरे को ना कुछ चीज़ें बाय करनी, मतलब चीज़ें क्या बाय करनी, मेरे को सबसे पहले फर्नीचर चाहिए, मेरे शॉप में फर्नीचर नहीं है और अपनी रेटिंग ना कम हो रही, बार बार बढ़ रही है फिर कम हो जा रही है ये चीज़ का मेरे को ध्यान रखना है कि मेरे को सबसे पहले फर्नीचर शॉप वही होगी शायद, उसके नहीं नहीं उसके अलावा भी कुछ है क्या, एक सेकेंड रैक वैक मैंने कहीं पर देखे थे, स्मार्टफोन्स नहीं, मेरे को लग रहा है कि इधर वो ये तो है यार, मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ मैं उल्टा, वो फर्नीचर अलग है फिर, नहीं नहीं वो तो फर्नीचर था ना, रैक यहाँ पर मिल रहे हैं।
मुझे लगा उधर ही मिलेंगे, अच्छा हुआ गया नहीं, फ्यूल भी खत्म हो रहा है। चलो उतरो गाड़ी से, उतर क्यों नहीं रहा, गाड़ी रुकते भी नहीं ना मेरी। अरे ये कहाँ पहुंच गया मैं, अबे यार मैं कहाँ बंद हो गया हूँ। नहीं, मैं गाड़ी से उतरा और सीधे इस घर के अंदर लैंड हुआ। अभी कैसे रीसेट कैसे होगा, क्या हुआ है, इधर से आया मैं बाहर। अबे यार मैं एक खाली बंग जो मेरे घर के बगल में था, मेरी शॉप के बगल में, वहां पर मैं कैद हो चुका हूँ। अभी रीसेट कैसे होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। पता नहीं मैं गाड़ी से उतरा और इसके अंदर ये सब जो क्लीच होते हैं ना, ये हमेशा परेशान करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बाहर कैसे जाऊं। मुझे लग रहा ना आज जितनी मेहनत की थी, शायद सेव तो किया था ना। एक सेकंड, एक काम करते हैं, मेरे को दोबारा से लोड करना पड़ेगा गेम, कुछ गड़बड़ हो गई बहुत बड़ी वाली। अब मेरे को ध्यान रखना है कि बिल्डिंग से थोड़ा सा दूर गाड़ी खड़ी करनी है, और मैं घर के अंदर आ चुका हूँ। $323, मतलब हमारी गेम सेव हुई है, लेकिन वो जो दूसरी बार मैं सामान लेके आया था ना, वो शायद सेव नहीं हुआ होगा। तो मेरी सुपरमार्केट ये है, मुझे रैक खरीदना है। रैक अभी मैं लेके रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी पता है रैक की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बिल्डिंग से ना थोड़ा सा दूर अपनी गाड़ी लगानी है। ओके उतर जाते हैं गाड़ी से। यहाँ पर थी वो रैक की शॉप, ये नहीं, ये भी नहीं है, इधर कहीं पर थी, ये वाली है शायद, हाँ ये है। तो यहाँ से मुझे रैक खरीदना है एक, और इसके पास वही सेम है जो मेरे पास है, तो $150 का है, बाय कर लेते हैं। एक एक से काम चल जाएगा अभी के लिए, उसके बाद देख लूँगा बाद में। पास में ही शॉप है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये रैक ओके यहीं पर लगाया था क्या मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं और इसको लगाया था। नहीं, ठीक है ठीक है, ओके ये भी है सारा कुछ है जो मैं अभी सामान लेके आया था, उसके बाद सब गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना सब कुछ हुआ है। तो अब जाके इन्वेंट से निकालते हैं रैक, प्लेस कर देते हैं इसको। और ये तो डोर है ना, तो इसके पास तो नहीं कर सकते, इधर पे इसको लगा सकता हूँ। ठीक है, तो अब जाके यहाँ पे जो भी सामान है इसको लगा देते हैं जल्दी से। तो अभी मेरे पास जो भी सामान था मैंने लगा दिया उसको, बस मेरे को कुछ और चीज़ें यहाँ पे, अभी तो जगह नहीं है, तो अभी इसको वापस इसी में रख देते हैं। रख नहीं पाएंगे क्या, ठीक है यहाँ पर लगा देता हूँ एक लास्ट। ठीक है, अभी अपने पास ये सब सामान है। ठीक है, अभी मेरे पास इतना सारा सामान है, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर बंदा काम तो कर रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, काम वगैरह सब चल रहा है। कैश कलेक्ट कर लेते हैं, $400-500 से स्टार्ट किया था, अभी $100 है, मतलब हम लोगों ने अच्छा खासा अर्न कर लिया, क्योंकि इतना सारा सामान भी तो है, रैक खरीद लिया और $125 का तो रैक है, उसके अलावा ये सब चीज़ें। फ्यूल क्या, कितनी बार खाना खा लिया, एक और बार खाना खा के आ जाता हूँ। उसके बाद मुझे लगता है कि आज हम लोग ना अपना इस एपिसोड को करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि अब जाके ना मुझे ये वाली गाड़ी मिल जाती ना सही रहता, ये मिल नहीं पा रही मुझे। तो उसके बाद ना धीरे धीरे करके चीज़ें मुझे और बाई करनी है। बैंक से लोन अभी तो नहीं ले सकता, रेटिंग बढ़ नहीं रही, अभी मुश्किल है रेटिंग बढ़ना, क्योंकि जितनी बढ़ रही उससे ज़्यादा कम। ओ इसको कहाँ उछाल दिया उसने, ये बीच बीच में पता नहीं अजीब सी हरकतें क्या कर रहे हैं। तो अब आज हम लोगों ने एटलीस्ट अपनी दुकान सेटअप कर ली, ओपन कर ली, अपना जो वर्कर है उसकी सैलरी भी जा रही है। हाँ $50 अभी उसकी सैलरी भी कटी है, तो धीरे धीरे भरते हुए दिखेगी। जितना ज़्यादा भरेगी ना उतना ज़्यादा सही लगने वाला। उसके बाद से फ्रिज वगैरह खरीदेंगे और बाकी सारी चीज़ें जो पेस्ट्री वगैरह हैं वहाँ पे और केक वगैरह हैं वो सब रखने के लिए। तो आज का एपिसोड करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।